नमस्कार। आज का सत्र एकाग्रता और ध्यान के लिए शक्तिशाली श्वास जागरूकता का अभ्यास है। शरीर को आरामदायी मुद्रा में रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। अपनी पीठ, गर्दन और सिर को सटीक रखते हुए चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल कर दीजिए और सामान्य स्वाभाविक श्वासों पर ध्यान दीजिए। आनापान सति एक सरल ध्यान अभ्यास है जो श्वासों की जागरूकता पर आधारित है। इस विधि को भगवान गौतम बुद्ध ने विकसित किया। आनापान सति का अर्थ है भीतर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास की गतिविधियों के साथ मन को जोड़े रखना। आनापान सति हमारे श्वास लेने की और छोड़ने की क्रिया के प्रति जागरूकता का अभ्यास है। हर श्वास को सचेत श्वास में बदलने का एक अद्भुत अभ्यास। जब हम जागरूकता के साथ श्वास से जुड़ते हैं तब चेतना की एक उच्च अवस्था को हम अनुभव कर सकते हैं। शरीर को आरामदायी मुद्रा में रखते हुए हमें अपने पूरे शरीर के सर के सिरे से लेकर पैरों तक एक यात्रा करनी है। शरीर के प्रत्येक हिस्से में उद्भव होती हुई अनुभूतियों की जांच करनी है। सर के सिरे से लेकर एक एक अंग और अवयव से मन को गुजारते हुए प्रत्येक अंग और अवयवों में उद्भव होती हुई अनुभूतियों का, संवेदनाओं का निरीक्षण करना है। ध्यान रहे, स्मरण रहे।
केवल निरीक्षण करना है। किसी अंग में या अवयव में सुखद अनुभूति होगी तो किसी अंग या अवयव में दुखद अनुभूति भी होगी, लेकिन सुखद हो चाहे दुखद हो, किसी भी अनुभूति के साथ राग या द्वेष नहीं जगाना है। अपने मन और शरीर को समायोजित बनाए रखना है। लंबी और गहरी सांस लेनी है। श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर में एक गहरी शिथिलता का अनुभव करें। दूसरी सांस ले और धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते जाना है। अपनी श्वास लेने की क्रिया से अवगत रहे। जागरूकता से, सजगता से और सतर्कता के साथ स्वाभाविक श्वास को लेना और छोड़ने का अभ्यास निरंतर जारी रखना है। इस क्रिया को कुछ समय निरंतर दोहराते रहें।
इस क्रिया के निरंतर अभ्यास से जीवन एक गहरे रहस्यमय उच्च सत्य में स्थानांतरित हो सकता है। मन को नासिका के द्वार पर बनाए रखना है। मन को नासिका के द्वार पर द्वारपाल बनाकर रखना है। एक एक श्वास के प्रति सजगता, केवल सजगता। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर न आ पाए, सहज और स्वाभाविक श्वास पर ध्यान बनाए रखना है। सांसों की आवन जावन पर मन का अवधान बनाए रखना है।
सांसों के प्रति सजग और सतर्क बने रहना है। केवल दृष्टा बनकर सांसों की आवन जावन पर ध्यान बनाए रखना है। इस अभ्यास के दौरान एक क्षण ऐसा भी आएगा जब मन विचार शून्य हो जाएगा। हम जब अपनी जागरूकता को श्वासों पर ले आते हैं तब हम धीरे धीरे विचारों से दूर होकर शून्य का अनुभव कर पाते हैं। शून्य अवस्था में होते हैं तब हम एक अंतराल का अनुभव करते हैं। उस अंतराल में जहां कोई समय काल की अवधि नहीं है, जहां कोई समय काल का माप तोल नहीं है, इस अंतराल में कुछ भी नहीं है और इस कुछ भी नहीं में ही सब कुछ समाया है। अनंत संभावनाओं के द्वार, संयोगों के संयोजनों को आकर्षित करते हुए तरंग असीम ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को हम ग्रहणशील बन जाते हैं। हम शुद्ध प्रज्ञा को आकर्षित कर पाते हैं। हम मूल स्त्रोत्र के साथ जुड़ पाते हैं। हम मूल स्त्रोत्र का अनुभव कर पाते हैं। हम मूल स्त्रोत्र के साथ जुड़ जाते हैं। और फिर होती है ब्रह्मांडीय अनंतता की, प्रचुरता की अद्भुत अनुभूति। ब्रह्मरंध्र पर अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं, वो प्रवाहित होने लगेगी।
मस्तक के मध्य भाग से धीरे धीरे यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में उतरने लगेगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे समग्र मेरुदंड पर प्रवाहित हो रही है। हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा मंडल नाड़ी मंडल को यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा शुद्ध कर रही है, स्वस्थ कर रही है, समृद्ध कर रही है। जितना गहरा ध्यान उतनी उत्कट ऊर्जा, और फिर अचानक ही गहरी असीम शांति का अनुभव। जान पड़ेगा, अनुभूत होगा एक नीरव अंतराल, एक निशब्द अवकाश, एक निशब्द अवकाश। शायद इसी को समाधि कहते हैं। कुछ समय इस समाधि में बने रहे। और जब तृप्ति का अनुभव हो जाए तो आप इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं।